हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सिंह। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आपने देखा भाई, पिछले पार्ट में जैसा कि अर्जुन की भाई एक राजा के साथ, या राजकुमार है ये राजा, उनके साथ भाई फाइट हो रही है। हाँ, तो भाई बहुत सख्त थी भाई, और या लेकिन देखें कि अर्जुन कैसे अब खुद को सर्वाइव करते हैं या क्या होता है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैंने कहा ना, अजमाइश थी, और देखो अजमाइश थी कैसी। पराजय का स्वीकार करते हो या आप भी थके? नहीं, थका नहीं हूं। हाँ, परंतु जिसके सामने स्वयं भगवान शिव हो, ओए होए, कैसे जीत सकता? भगवान शिव, गुरु द्रोण के शिष्य के सामने कोई वनवासी इतनी देर तक खड़ा रहे? हाँ, ये संभव नहीं। हाय, भगवान पिनाक पानी, जिन्होंने सबसे पहले पिनाक नामक धनुष को बनाकर समग्र विश्व को विद्या का ज्ञान दिया। क्या बात है, हम भी सोच रहे थे भाई। मुझे मेरे अपराधों का दंड दीजिए भगवान। हाँ, और कृपया अपने रूप में दर्शन दीजिए। किससे लड़ रहे थे यार? अब तुम क्या गलती कर बैठे थे आप यार? वो सार वाले किधर गए जो कह रहे थे राजा जी? बस मैच थी ये, वो अपने थी। भगवान शिव, कल्याण हो वत्स। हाय, पहली आवाज है। भगवान इंद्र ने प्रार्थना की मुझसे कि मैं उनके इस पुत्र को पाशुपतास्त्र का ज्ञान दूं। अच्छा भगवान, किंतु मैं तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लिए बिना तुम्हें पाशुपतास्त्र नहीं दे सकता था। जिसके पास योग्यता होती है वो दिव्यता को तुरंत ही जान लेता है। वास्तव में जो दूसरे की महानता को जान लेता है वही योग्य होता है। परंतु भगवान, मैं तो आपको जान ही नहीं पाया। अवश्य मैं योग्य नहीं हूँ। योग्य नहीं, परेशान नहीं होना बस। सब आप जानवर भी विवादी देवेंद्र, आपका पुत्र स्वयं स्वीकार करता है कि पाशुपतास्त्र पाने की योग्यता नहीं है उसमें। इतनी खुशी हो रही है अर्जुन को भी भाई, दोबारा आए आज। जो स्वयं को योग्य मानता है उसमें कहां योग्यता होती है भगवान? योग्यता का असली प्रमाण तो परीक्षा लेने वाला देता है। एक बात बोल दिया ये तो। योग्यता प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता है तुम्हारे अंदर कुंती पुत्र। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रसन्न है भाई भगवान शिव जी। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान दूंगा। ये कोई शस्त्र नहीं, केवल ज्ञान है। ज्ञान है। संसार में शत्रु अपने अधर्म के कारण जब निर्बल हो जाता है तब उसे सामान्य शस्त्र से मारा जा सकता है कुंती पुत्र। किंतु कभी कभी धर्म में दृढ़ रहने वाले शत्रु का भी वध करने का समय आता है। हाँ जी, ऐसे शत्रु को हर तरह की इजाजत है। साधारण शस्त्रों से मारना असंभव है। जो धर्म पर चलते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मेरी शरण प्राप्त होगी। अच्छा, ऐसा वचन है मेरे संसार को। क्या बात है, धर्म पर चलो हमेशा। धर्म में दृढ़ रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद मेरी शरण में ले आता है। पाशुपतास्त्र ग्रहण करो पुत्र, तुम्हारा कल्याण। कल्याण हो। अर्जुन की आज तो भाई, आज तो अर्जुन है अर्जुन के।
वो मिलने से भी मिल गई। वो देख लें भाई, क्या बात है। स्कूली प्लानिंग, ओए ओए ओए, 12 वर्ष भी अब पूर्ण हो रहे हैं मामा जी। हां जी, आज संध्या काल से पहले हमें उन पांडवों को ढूंढकर अज्ञातवास में जाने से रोकना होगा। सूर्य की अंतिम किरण के साथ पांडव अज्ञातवास में चले जाएंगे। हम द्रौपदी का अपहरण कब करेंगे मामा श्री? फिर द्रौपदी को टारगेट करना। अर्जुन अभी लौट कर आया नहीं है, किंतु मुझे संदेह है मामा श्री कि अर्जुन आज संध्या से पहले ही लौट आएगा। मुझे विश्वास है कि वो लौट आएगा। पर अभी पांडवों की शक्ति कुछ कम है, हमें अर्जुन के लौटने से पहले हम खबर है इनको द्रौपदी का अपहरण करना होगा। किंतु ये किस प्रकार संभव है मामा श्री? हम पांडवों पर आक्रमण नहीं कर सकते। और फिर से योजना, हम वचन से बंधे हैं मामा श्री। हम आक्रमण नहीं कर सकते। अच्छा, किसी से करवाएंगे? तुम्हारी बहन दुशला के पति सिंधुराज जयद्रथ तो कर ही सकते हैं मेरे बच्चे। सिंधुराज, ये क्या बुलाएं आप? हम तुम्हारी सहायता करने पधारे हैं दुर्योधन। अच्छा जी, यार को मोरा आ जाता है। ये लो, खतरनाक चीज आ गई। ये पता नहीं कौन है, देखते भाई। अच्छा, इसकी शक्ल मिलती है दुर्योधन के साथ थोड़ी। हम आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारी बहन दुशला के पति सिंधुराज जयद्रथ तो कर ही सकते हैं मेरे बच्चे। हम तुम्हारी सहायता करने पधारे हैं दुर्योधन। मदद के लिए ही आप बाग आ रहे हैं, खुद नहीं कराएंगे, किसी से करवाएंगे काम। अब हमने आपकी बहन को वचन दिया है कि हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ये भी यार क्या इनके जैसे ही है, इनके जैसे ही है। पधारिए सिंधुराज। सिंधुराज बैठिए, आपकी बहुत कृपा है जो आप मेरी सहायता करने के लिए पधारे हैं। इसको आप डील करेंगे नजर आ रहा है। किंतु ये चार पांडव अच्छा कभी भी अपनी पत्नी द्रौपदी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सेंटर में रखा हुआ है जी, जी के साथ साथ कोई एक अवश्य द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। चार क्या, 400 पांडवों को एक साथ परास्त करके हम द्रौपदी को ले आएंगे। फिर से चौहान द्रौपदी जी पर हैं, इतनी हिम्मत अब जाएं। सिंधुराज, सिंधुराज मुकाबला होगा। आप दुशला के पति हैं और हस्तिनापुर के जमाता हैं, इसलिए मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता। किंतु मेंढक कभी अपना गला फुलाकर बैल के आकार का नहीं बन सकता है। मेंढक की तरह गला मार रहा है ना, है भी मेंढक जैसे। सिंधुराज, आप पांडवों के सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते। दुर्योधन, सिंधुराज को गुस्सा दिला रहा है। तुम हमारे साले हो, इसीलिए अब तक तुम्हें अपने
सामर्थ्य का परिचय नहीं दिया। अच्छा अच्छा और शकुनी और मर्चे लगाएगा ऐसी कोई आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। हाँ मामा श्री ना पड़े बहुत है मामा श्री। अब आओ मामा श्री और मर्चे लगाएगा फुल गरम करे। आप यथार्थ कह रहे हैं। आप आक्रमण करने के लिए मुक्त भी है और समर्थ भी। इससे करवाएंगे ये काम। किंतु किंतु ये आंख ऐसे काट लेते हैं जल्दी। मेरे पास ऐसा एक मार्ग है जिससे आपको युद्ध करना ही ना पड़े। अच्छा युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या पूजन के लिए नदी तट पर जाता। भीम तथा सहदेव भिक्षार्थियों को अन्नदान देने के लिए गांव में जाते हैं। बहुत यार भयानक बुद्धि है और समझा रहे हैं आप। नकुल जो आधे पहर के लिए अकेला द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। पूरी प्लानिंग। यदि हम किसी तरह नकुल को कुटिया से दूर ले जाए तो आप बिना युद्ध किए द्रौपदी का अपहरण कर सकते। देखो भाई चौल ये खड़ा है ये पहुंच भी गए हैं। पता नहीं क्या करेंगे फिर से 12 बरस यार। ये देख लें कि इनकी प्लानिंग कैसी है कि फिर से एक बार उनको। लेकिन सबसे पहले इधर आने से पहले आप भाई वापस थोड़ा सा चले जाएं कि अर्जुन को दोबारा से जो भाई चीज़ें मिली हैं आए भगवान शिव जी और भगवान इंद्र क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने जो शक्ति एक दी है ना भाई अब अर्जुन को अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं देखने में तो। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आगे दूसरी तरफ आ जाएं जैसे मामा शकुनी बोलता है ना ऐसे आप इधर आ जाएं भाई कि उनका देखो भाई नहीं वो योजना बना रहे हैं क्योंकि वो खुद तो आक्रमण नहीं कर सकते उधर वचन दिया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वचन का वो इतना एक उनको भय है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं पता नहीं किस वजह से कर रहे हैं। फिर उन्होंने प्लानिंग कर दी यार प्लानिंग उन्होंने अब करवाई है उससे भाई सिंधु राज से एक और बंदा आ गया सिंधु राज वाला और इनकी एक माइंड देखो एक उसको गुस्सा दिलवा रहे हैं इसके अंदर और रोज जान के कह रहे हैं कि आप हैं कि आप मेंढक की तरह फूल रहे हैं इसके अंदर और एक क्रोध बढ़े और ये गुस्से में आया। लेकिन ये देख लो यार फिर अगर द्रौपदी के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है ना तो मैं कहता हूँ उस बिचारी को सुख का बना है ये तो इन यार ये एक ना प्लानिंग सुनकर ही काफी अफसोस तो हो रहा है लेकिन ये क्या प्लानिंग है इनकी बार बार कामयाब होती रहेगी तो फिर लेकिन अब नहीं लेकिन सिंधु राज से ना द्रौपदी जी मेरा दिल नहीं इजाजत दे रहा कि अब ये साजिशें कंप्लीट होंगी। लेकिन आप देखेंगे केला जो है ना वो नाकुल है ये तो आप अगले एपिसोड में देखेंगे भाई क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक।